बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स की कैलकुलेशन क्राइटेरिया एक्चुअली में क्या होता है। इंग्लिश के मार्क्स प्रोमिनेंटली गिने ही जाते हैं। इंग्लिश के अलावा बेसिकली मार्क्स काउंट होते हैं तुम्हारे फोर बेस्ट डोमेन्स के। स्टार्टिंग के तीन तुम्हारे अपने डोमेन्स हो सकते हैं, बट लास्ट में मैथ्स या फिर फिजिकल एजुकेशन, इन दोनों में से किसी एक के ही मार्क्स जोड़ेंगे जो होंगे हाईएस्ट। अज्यूमिंग कि तुमने इंग्लिश एंड अकाउंट्स बीएसटीई को 95 स्कोर किया है, इसके बाद मैथ्स या फिजिकल एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मैथ्स में अराउंड आ जाते हैं 70 या 75, तुम्हारी परसेंटेज सीधा चली जाएगी 89% के करीब। वहीं अगर तुमने फिजिकल एजुकेशन में 100 लाके, इनफैक्ट 98 या 99 लाके भी हाईएस्ट स्कोर कर लिया, तो तुम्हारी परसेंटेज सीधा बूस्ट होकर 95% तक जा सकती है। Hey guys, this is Savvy Site. For those who are new to my channel, my name is Simran and I'm a first year BCom honors student at SRCC. सबसे पहले अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी है दैट आई अपलोडेड रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन, तो यू कैन चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन अडॉप्ट दोज टिप्स एज वेल इन योर प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एजुकेशन। अज्यूमिंग कि तुम्हारा आज मैथ्स का पेपर हो गया है आज या कल, बट एवर, बट नाउ यू गाइज ओनली हैव 2 days टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड एज आई सजेस्टेड इन द इंट्रो ऑफ द वीडियो, कैसे एक लौता फिजिकल एजुकेशन तुम्हारी परसेंटेज एक्चुअली में बूस्ट कर सकता है, बिकॉज मेरी तो बहुत हुई थी। पर्सनली आई scored 98 out of 100 in physical education and seriously with a preparation of 2 productive days itself. Actually physical education ke paper ke 3 din pehle it was holi, to I preferred holi before physical education ka paper because it's easy and literally yahan pe thoda smart work se kaam ho jata hai. Since you guys got maths ka paper 2 din pehle of physical education, to it's better ki ye 2 days tumhare itne productive jane chahiye, not efforts se but yeah, smart work se zarur, ki you can score your highest, ki tumhare english ke alawa physical education ke 100 on 100 मार्क्स जुड़ जाए। तो शुरुआत करते हैं शुरू से कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को भी कुछ नहीं आता, ऑफकोर्स देर आर पीपल जिन्हें काफ़ी ब्रेक जो मिला है उन्होंने ढंग से यूटिलाइज किया, तो कुछ चैप्टर्स की वीडियोज तुमने देख ली होगी, अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी, तो स्टिल अज्यूमिंग कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उस हिसाब से अगर अज्यूम करेंगे तो तुम्हारी जो प्रिपेरेशन है वो एकदम बेसिक लेवल से होगी एंड आई गेस अच्छे से हो पाएगी। सी फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 20% ही बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, बाकी 80% इज BBKL, नो नॉट दैट तुम्हारा वाला नहीं, इट्स बना बना के लिखना, ठीक है? तो सीरियसली बना बना के लिखना, एक प्री बोर्ड बना बता दो मुझे जिसमें तुमने आंसर्स बना के नहीं लिखे होंगे, राइट? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट भी है कि बन जाते हैं आंसर, बिकॉज तुम्हारे पास 20% अंडरस्टैंडिंग होती है अगर इन द सेंस ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स की, देन यू आर एबल टू फिगर आउट थिंग्स, कनेक्ट थिंग्स एंड वो तुम्हें आ जाता है। तो डरना, सबसे पहले डर हटा दो कि सिर्फ 2 दिन है, ठीक है? बहुत कुछ हो सकता है, फुल स्कोर करेंगे साथ में मिलके। सबसे पहले तुमने ये फिगर आउट कर लिया कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेनी कहाँ से। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट, आई गेस 99% ऑफ दी स्टूडेंट्स वीडियोज़ को ही रेफर करेंगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत नहीं लगती है उसमें, राइट? एंड ईजी भी है, तुम वीडियोज़ लगाओ, तुम सब चैप्टर वाइज जो है वीडियोज़ देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, जिसने नोट्स बनाने हैं नोट्स बना सकते हैं ताकि वो माइंड में रह जाए। तो अज्यूमिंग कि तुमने अभी तक कुछ चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए होंगे, एंड अगर नहीं भी किए तो तुम्हें ये 2 दिन उन हिसाब से बांटने हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं भी, तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं या नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है? बट कुछ चैप्टर्स है जिनकी वीडियोस देखना एसेंशियल है। ट्राई करो ये सारी वीडियोस तुम शेड्यूल कर लो, इन द सेंस कौन कौन से चैप्टर की देखनी है उन्हीं चैप्टर्स की वीडियोस देखना फर्स्ट डे पे एटलीस्ट, एंड सेकंड डे के हाफ डे तक तुम सारी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर देना। जाकी सौदागर सर है एंड देन एक अपेडिया करके चैनल है, और भी अदर चैनल्स आर देयर जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्विच टू इट्स प्लेलिस्ट एंड ऑन करके बैठ जाना जिन जिन चैप्टर्स की देखनी है। सी टाइम इज लेस एंड इसलिए हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम 20% एफर्ट से वही 80% आउटपुट निकाले, दैट 80-20 प्रिंसिपल। एंड वो कैसे होगा, इन द सेंस एफर्ट्स पूरे रहने चाहिए तुम्हारे 100% कि 2 दिन को इतने ढंग से यूटिलाइज कर लेना है। एंड दैट्स वाई आई ऑल्सो सजेस्ट जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, आस्क योर टीचर्स या फिर कहीं से भी अवेल करो। एंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी मिल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम सजेस्टिंग इसलिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पेपर में ना इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, कुछ नया एज इन कंसेप्चुअल नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है तुम्हें एक लाइक 80% पेपर कैसा आने वाला है, कौन से चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ये पता चल जाएगा उसी वक्त, पता चल जाएगा जैसे जैसे तुम
क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग करके वीडियोज कंप्लीट कर भी लिया ना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के बैठ गए हो, तो अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स और 5 मार्कर्स लेके बैठ रहे हो, तो वो करते 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 तुम्हारा एक तो 80% बुक उसी में खत्म हो जानी है. मैंने भी पर्सनली प्रीवियस ईयर ही लगाए थे जिससे मुझे पूरा आइडिया हो गया था इस चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आना है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं से अरेंज करो, एनी यूट्यूबर जो भी तुम्हारे ट्यूटर्स है फिजिकल एजुकेशन के, आई पर्सनली रेफर्ड जाकी सौदागर सर, तो वो अपने क्वेश्चंस जो वीडियोस में कराते थे उसमें भी वो कवर करवा देते थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. ट्राई कि तुम कहीं से अरेंज कर लो. एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारी जो पब्लिशर की, जिस पब्लिशर की तुम बुक रेफर कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन पब्लिशर की बैक साइड के क्वेश्चन भी करोगे ना, वो उठ के आते हैं. लिटरली डजंट मैटर. बट तुम्हें जो चीज कंट्रोल करनी है वो ये है कि एक चैप्टर में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लो जो कि थोड़ा मतलब वो काफी चैप्टर कवर कर लेते हैं. तो तुम ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हुए चलोगे ना तो मेजरली जो तुम्हारे पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाएंगे. स्मार्टली वर्क करना है, इतना भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है. एंड नेक्स्टली अपने प्री बोर्ड के पेपर भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये नहीं है, मुझे पता है इट्स वेरी बोरिंग टू लर्न सर्टेन थिंग्स, बट ये भी है कि कुछ चीज़ें सिर्फ लर्न हो सकती है फिजिकल एजुकेशन में, जैसे ईस्टोपोरोसिस, एमनोरिया, वो वाले कंसेप्ट. एंड कुछ चीज़ों को लर्न ना भी करे तो खुद ब खुद हम टेप सकते हैं, पीके बना बना के लिख सकते. ये ध्यान रखना कि जितने भी चैप्टर तुमने कवर किए हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हें उनके डिस्क्रिप्शन आती है, उससे रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उसके बारे में लिख सकते हो. जो तुम्हारा फिक्सचर वाला थिंग है सब बनाना सीख लेना, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है. 2-3 क्वेश्चन बनाओगे फिक्सचर के, बहुत सारी वीडियोज होंगी सर ने निकाल रखी होंगी, तुम वो रेफर कर लेना, बहुत ईजी है. और वो 2-3 फिक्सचर बना के तुम्हें आइडिया लग जाएगा, फिक्सचर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा. तो प्लीज़ कर लेना, फ्री के मार्क्स से कुछ भी नहीं. बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव नोटेड. अब नॉकआउट फिक्सचर तो मेरे को लगता ही है. नेक्स्टली बाय क्या होता है, लाइक सीरियसली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें आना चाहिए इतना लिखना. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिपीट बहुत हुआ है क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्टली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो होती है वो कौन कौन सी चीज़ें अंडरटेक करती है आफ्टर टूर्नामेंट जब खत्म हो जाता है, टूर्नामेंट से पहले या ड्यूरिंग बहुत रेयर है, बट आफ्टर बिफोर करके जाना ढंग से. इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, पॉस्चुरल डिफॉर्मिटीज जितनी भी है बहुत ईजी होती है. ये जो तुम्हारी नॉकनीज होती है, बोलेक्स होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है, ये तुम खुद डिस्क्राइब कर दोगे, लर्निंग की कोई जरूरत नहीं. देन मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन जितने भी होते हैं याद रख लेना, स्पेशली बॉयज रट्टा मार लेना. ईस्टोपोरोसिस, एमनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, इनका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है. ठीक है, कंटेंट हो सकता है तुम्हारी बुक में हो अच्छा खासा, नहीं भी हो थोड़ा बना बना के हल्का लंबा लंबा लिखना, एग्जाम्पल्स दे सकते हो. एंड ये 3 तो जरूर करके जाना. नेक्स्टली योगा के पॉस्चर्स, देखो आई नो तुम लोग नहीं करते, तुम्हें करना चाहिए था बट गलत बात. ठीक है, तो मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगी जिसका तुम्हें बहुत मुश्किल, मैं क्या करती थी, बहुत मुश्किल योगा पोस्चर लग रहा है ना तुम्हें याद ही नहीं हो सकता, उसे करने लग जाओ. ठीक है, तुम्हें ये करना है जो भी करना है तुम करने लग जाओ. कटी पतंग वगैरह पता नहीं कौन कौन से आसन थे, कुछ तो आई डू रिमेम्बर, बट जिनका नहीं पता है ट्राई. हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, उसके बाद बैक पेन, इन सबका ना अलग अलग बहुत सारे आसन होते हैं, राइट. तो बट कुछ आसन होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है तो 400-500 में आ जाए, बट होते हैं कुछ कुछ प्रोमिनेंटली कॉमन और पूछे भी तुमसे सिर्फ 2 ही जाते हैं. ठीक है, और इन्हीं डिसीज के ऊपर पूछा जाएगा कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी 2 आसन एक्सप्लेन करो विद स्टिक डायग्राम. स्टिक डायग्राम प्ले पे अभी मैं आ रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड. तो उस हिसाब से तुम कॉमन योगा पोस्चर करके जाना, कुछ कीवर्ड्स, कुछ एक्रोनियम बना लेना, वो बना लेना कि हाँ इस आसन का नाम ये है एंड इसमें ये होता है. एंड देन उसके किसे ये नहीं करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स याद करके जाना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सारे कवर नहीं किए, नहीं तो मैं पूरा ही कवर कर लेती. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे ट्यूटर्स हैं उन्होंने बता रखे होंगे कौन सा ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है, तो उस हिसाब से कर ले. ये देखो ये होता है स्टिक डायग्राम. अभी हंसेगा नहीं, यही होता है, सीरियसली यही होता है. बस इतना सा बनाने को बोला है तुम्हें, इसके लिए अलग से क्यों चाहिए वीडियो. ये जो बंदा है ना ये बचपन में बनाते थे यार, इसे तुम ऐसे खड़ा करा के ये वो ट्री वाला आसन कर रहा है. ठीक है, वज्रासन. एंड तुम इसे लिटा दो कैसे भी, जस्ट ऐसे. तो ये देख लो भाई, ये यहाँ पे नौकासन होती है ना वो कर रहा है. एंड ये शायद ताड़ आसन का ऊपर नीचे जाने वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो कुछ ऐसा बना के
बेस्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें, लिटरली कुछ नहीं करना। ये बनाने में तो मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता था। ऐसा देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आंख मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिसेंट रहना देना। वो तो मैंने बस ऐसे बना दिया। होगे ना, स्टिक डायग्राम बना दोगे, पॉइंटर्स दे दोगे स्टेप वाइज। सबसे पहले तो कि बंदा बैठेगा, ये तक पॉइंट लिख दे रहा, बंदा बैठेगा, उसके बाद पैर आगे करेगा, हाथ ये करेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट कब कैसे करना है। एंड अदर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पोज से वापस जाने का पोज के पॉइंटर्स भी तुम जरूर लिखोगे। दैट्स लिटरली तुम्हें 100% मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लाइक मेरे फिजिकल एजुकेशन वाले सर ने ये लिटरली सीक्रेट टिप बताई थी मेरे को। वज्रासन में भी हो तो वज्रासन को एज इन वो करके हटाना कैसे, इट्स लाइक देन हाथ नीचे आएंगे, तुम्हें हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना लिखना, स्लोली टू पुल डाउन योर हैंड्स एट द प्लेस दे वर एंड देन पुट योर लेग्स डाउन। उसके बाद यू कैन ब्रीद स्लोली, ये तक लाइक जो मेन योगा पोज है उससे वापस रिवर्स करने तक का भी पॉइंटर तुम डाल देना। फिजिकल एजुकेशन लेंथी पेपर नहीं आता है, लेंथी तुम लोग बनाते हो। अनयूजुअली जहाँ कम मार्क्स है वहाँ ज़्यादा मत लिखो, बट जहाँ ज़्यादा मार्क्स है ट्राई करो वहाँ ढंग से एक्सप्लेन करो, ठीक है। टाइम है तो ज़रूर ढंग से सब में एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। नेक्स्टली कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स एंड रैप इट अप के लिए मैं सही में बताऊँ तो मॉक्स तो तुम्हें देने नहीं होते। फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि तुम लास्ट मिनट तक भी बुक लेके कंटेंट कंज्यूम करते रहो। तुम्हारे पास हर एक सिम्टम, हर एक टर्म के लिए एक डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन याद होनी चाहिए। तो ट्राई करो कि तुम्हें ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आते हैं, एटलीस्ट आते हैं, लिख तो तुम लोगे, तुम्हें पता है कि उसमें हो क्या रहा है। पेपर प्रेजेंटेशन में अगर मैं बताऊँ तो 75% तुम्हें पेपर आता ही होगा, उसमें से जितना नहीं आता तो तुम ले आओगे, क्योंकि यार तुम यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड ऑल समथिंग, ठीक है। नेक्स्टली पेपर सुंदर सुंदर प्रेजेंट करना, राइटिंग गंदी है तो ट्राई करना वो भी सुंदर हो जाए। एमसीक्यू के आंसर्स ढंग से सोच के लिखना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं फिजिकल एजुकेशन की। पेपर कहाँ से शुरू करना है तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, आगे से करना है या पीछे से करना है इट्स योर पर्सनल चॉइस। पर्सनली आई यूज्ड टू रेफर कि मैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर दूँ। मैं सुंदर सुंदर करती थी, ज़्यादा लिख पाती थी एंड पेपर का इंप्रेशन अच्छा पड़ता था स्टार्टिंग में ही, तो उन्हें लगता था कि उनके हाथ में टॉपर का पेपर आया है, इसीलिए 98/100। अंडरलाइन एंड हाईलाइट ऑल दी मेन लाइन्स एंड ऑल, ठीक है। पॉइंटर्स में ट्राई करो, जिसकी भी सिम्टम जिसका भी स्टेप कुछ भी बता रहे हो पॉइंटर्स में दो, और पैराग्राफ्स में सबको कंपाइल कर दो, ट्राई करो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो दो पेज मिनिमम लिखो ही, लाइक दिस वन एंड दिस वन पूरा फिल होने चाहिए, उसके ज्यादा तुम्हें कुछ आता है तो लिख सकते हो। बाकी बस इतना ही था, तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है, टेक इट इजी, ट्राई करना कि एकदम लाइक अगर कोई वरदान है ना, वरदान है फिजिकल एजुकेशन तुम पे, ठीक है। ये तुम्हारे मैथ्स हो या किसी भी और सब्जेक्ट के जहाँ तुम्हें लग रहा है तुम लटक सकते हो वो कवर कर देगा, तुम्हें फिर कोई भी वो देने की जरूरत नहीं है। बट आई होप कि तुम्हारे मैथ्स में भी इतने अच्छे आए कि तुम्हारे मैथ्स में ही हाईएस्ट वाले लगे, ठीक है। तो आई जस्ट विश, आई नो कि इट्स रियली लिटिल डिफिकल्ट, बट फिजिकल एजुकेशन अगर ली है, दो साल इसे झेला है तो अभी एकदम 100% आउटपुट निकाल के आना। आई शेयर्ड एवरीथिंग जो 100% तुम्हें हेल्प कर सकता है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन में। बाकी ट्राई टू यूटिलाइज इट फुली। आई होप ऑल दी पॉइंटर्स तुम्हें ढंग से समझ आए होंगे। नेक्स्टली तुम्हें किसी भी और डोमेन सब्जेक्ट में अगर डाउट है तो यू कैन चेक ऑल दी वीडियोस दैट आर ऑन माय चैनल, दैट विल रियली रियली बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट्स सेट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ यू फाइंड ऑल दीज पॉइंटर्स रियली हेल्पफुल तो यू कैन सब्सक्राइब टू समी साइट एंड डोंट forget to hit the bell icon so that you don't miss any update regarding CUET board examination any other college life vlogs, right? Wo sabhi dekhna. So yeah, that's it for the video guys. Jaake padh lo, do din hai. All the best, bye.